कांग्रेस एक डूबते हुए जहाज की तरह हो गई है। आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन कांग्रेस कहीं सरकार बना पाएगी ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां पार्टी की सरकारें हैं वहां कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहती। हाल ही में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाई थी और अब कमलनाथ और अशोक गहलोत जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोनों मुख्यमंत्रियों ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया है। अशोक गहलोत एक तरफ जहां राजस्थान में नंदी गाय आश्रय बनाकर गौ प्रेम दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ राम के रास्ते पर हैं। उन्होंने गौशाला के साथ साथ राम वन गमन पथ बनाने का ऐलान किया है। अशोक गहलोत की सरकार ने जब विधानसभा में बजट पेश किया तो उसमें नंदी गाय आश्रय की स्थापना करने की घोषणा की गई, जबकि कमलनाथ पहले ही गौशाला की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने राम वन गमन पथ को विकसित करने की घोषणा की है। कांग्रेस जानती है कि राम मंदिर पर खुलकर न बोलने की वजह से उसको करारी हार मिली है। मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के चक्कर में हिंदुओं का वोट बैंक उससे छिटक गया है और यही वजह है कि कांग्रेस को गाय और राम पर प्यार आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की आदत पुरानी है और ये आदत कितनी बदल पाएगी इसका इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।